एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जाम फ्यूल। आज हमारी चर्चा का विषय क्या है? आज हमारी चर्चा का विषय है राष्ट्रीय स्मारक, यानी कि पूरे विश्व के जितने भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, हम उनके बारे में जानेंगे और ऐसी ट्रिक्स के साथ जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है। तो चलिए तैयार हो जाइए ट्रिक्स के साथ। देखिए, सबसे पहले स्मारकों के बारे में आपको बताया जाएगा, उसके बाद स्थान, वो कहाँ स्थित है, और साथ ही साथ वो कौन से देश में स्थित है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले झुकी हुई मीनार के साथ। तो पहला क्या है? झुकी हुई मीनार, जो कि कहाँ? पीसा में है, और वो कौन से देश में स्थित है? इटली में स्थित है। तो चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं। झुकी मीनार से पीसा, इटली। अब होता क्या है, जो मीनारें हैं वो बहुत लंबी लंबी होती है, बड़ी होती है। जैसे ही कोई अर्थक्वेक आता है या कोई अनहोनी होती है तो वो क्या हो जाती है? गिर जाती है। और गिरने की वजह से क्या हुआ, जो इटली है वो क्या हो गया? पिस गया, जैसे धस जाता है ना नीचे की ओर। तो आप ऐसे याद करेंगे कि झुकी मीनार से पिसा इटली। तो चलिए आते हैं सेकंड, जो कि है क्रेमलिन। क्रेमलिन मॉस्को, यानी कि कौन से देश? रशिया में है, रूस में है। तो चलिए देखिए इसकी क्या है ट्रिक। कमली लड़की मास्क लगा के रूसी। अब क्या हो रहा है, हर जगह मास्क है कोरोना की वजह से। तो कमली यानी कि थोड़ी सी झल्ली, थोड़ी सी पागल। तो पागल हो गई है लड़कियां, क्यों? क्योंकि उनको क्या करना पड़ रहा है, मास्क लगाना पड़ रहा है। तो मास्क लगा के रूसी, रूसी यानी रूठी, ठीक है। तो आपको रूस से या रूसी से रूस आ जाएगा आपका, मास्क हमारा मॉस्को से, और कमली से हमारा क्या उठेगा? क्रेमलिन। तो चलिए आगे देखते हैं पार्थेनॉन, एथेंस और यूनान। पार्थेनॉन स्मारक है जो कि एथेंस में स्थित है, और उस देश का क्या नाम है? यूनान। तो इसकी ट्रिक देखिए, पार्थ का नाना एथेंस जो कि यूनानी था। तो आप देखिए, भारत जो आप पार्थ है, आप उसको किसी से भी रिलेट कर सकते हैं कि वो भारत का या था या किसी और देश का था, लेकिन उसके नाना की बात हो रही है। स्ट्रेस देखिएगा, पार्थ यानी पार्थेनॉन, एथेंस जगह का नाम बताया गया, जो कि कैसा थे? यूनानी थे। तो आपको इसी ट्रिक में सारे के सारे देश और स्मारक छिपे हुए मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए। आगे देखिए कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे आपके स्मारक है जिसको आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको अपने देश के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है, और हमारे ही देश किस में है? भारत में है। तो चलिए आते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मशाल लेके खड़ी है एक लेडी, कौन नहीं जानता उनको। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी में है, जो कहाँ प्रेजेंट है, कौन से देश में? यूएसए में। तो अगर आपको पसंद आ रहा है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हाँ जी, सिक्स पॉइंट देखिए, सिक्स क्या है? पवन चक्की, जो कि स्मारक का नाम है किंडर डिस्क, जहां वो स्थित है, और देश का नाम डेनमार्क। अब देखिए, पवन चक्की, किंडर डिस्क और डेनमार्क, इससे क्या ट्रिक उठ रही है? देखिए, चक्की पर बच्चों ने लगाए मार्क, मार्क आप देख पा रहे हैं, निशान लगाना। अब क्या हुआ, नई नई चक्की घर में आई, और बच्चों का काम ही क्या होता है? बस काम खराब करना। तो उन्होंने क्या किया, चक्की पर बच्चों ने लगाए मार्क। अब मार्क से आपको डेनमार्क समझ में आ रहा है, चक्की से पवन चक्की, बीच में जो अटपटा शब्द है वो क्या है? बच्चों ने। अब आपको समझाएं किंडर डिस्क से, तो आप जानते हैं कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल का क्या नाम होता है? किंडर गार्डन। तो किंडर शब्द होता ही किसके लिए है? स्मॉल किड्स के लिए। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस जो कि सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया देश में है। तो देखिए चलिए इसकी ट्रिक क्या हमें बताती है, कि हाउस में किडनी निकाली एक ऑस्ट्रेलियन की, उसी के घर में उसकी किडनी निकाल ली गई है। तो देखिए, हाउस, हाउस स्टैंड्स फॉर ओपेरा हाउस, और सिडनी हमने कहां से लिया है? किडनी से। सेम आ रहे हैं राइम इसकी, तो किडनी यानी सिडनी निकाली किसकी? ऑस्ट्रेलियन की। तो कौन सा देश हुआ? ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए आते हैं एट, जो कि है ग्रेट वॉल, वो प्रेजेंट है उत्तर चीन यानी कि चाइना में। तो जितने छोटे लोग और उतनी लंबी उन्होंने क्या बना दी? दीवार बना दी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, जितने छोटे लोग उतनी ग्रेट वॉल। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का उत्तरी चीन यानी कि चाइना में। तो चलिए आते हैं नाइन्थ, जो कि है इंपीरियल पैलेस, जो कि टोक्यो में है, जो राजधानी भी है किसकी? जापान की। तो देखते हैं जापान और इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक कहती है कि पैलेस में टोका गया जापानी को। अब होता क्या है, इतने सारे सुंदर सुंदर स्मारक हैं, तो दूसरे देश के लोग भी हम यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो जब घूमने आते हैं तो हर किसी को लगता है कि हम उनके साथ फोटो खिंचवाएं। तो इसी तरीके से क्या है, एक जापानी को टोका गया कहाँ? पैलेस में। तो कैसे याद रहेगा, पैलेस में टोका
बोला गया जापानी को। तो जापानी जापान के लिए, टोका मींस टोक्यो और पैलेस हमने किसका उठाया, इंपीरियल पैलेस का। तो आते हैं 10th के ऊपर जो कि है एफिल टावर, जो पेरिस में है स्थित और कहां पे, कौन से देश में, फ्रांस में। तो चलिए इसकी क्या पढ़ते हैं एक शॉर्ट ट्रिक, वो की है टावर पर फंसा पक्षी। अब क्या होता है लंबे लंबे टावर तो लगा दिए जाते हैं, अब वो जगह किसकी है, पक्षियों के उड़ने की है। तो उड़ते समय क्या हुआ, अचानक से एक पक्षी किसमें फंस गया, टावर में फंस गया। तो हमारी यहीं से क्या बन गई, ट्रिक बन गई कि टावर पर फंसा पक्षी। टावर शब्द हमने आईफिल टावर से लिया और फंसा से आप फ्रांस याद रखेंगे, और जो बीच में हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब पर लगाया है वो किसके लिए स्टैंड करेगा, पेरिस के लिए। तो चलिए आगे आते हैं अपने लास्ट वन पे जो कि है पिरामिड। अब देखिए पिरामिड गीजा और मिश्र, अब देखिए इसके क्या बनती है राय, मड में गिरा मिस्त्री। अब मिस्त्री काम करते करते किसमें गिर धस गया, कीचड़ में धस गया। तो देखिए क्या बन गया, यहीं से मड, यानी जिसे हम अंग्रेजी में मड बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, कीचड़ बोलते हैं। तो मड में गिरा मिस्त्री, तो मड उठाया हमने पिरामिड से और हमने गिरा से उठाया कहां से, गीजा से, और मिस्त्री किसके लिए हुआ, मिश्र के लिए हुआ। तो अगर आपको समझ आई हो ट्रिक्स, वीडियो को पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब।